आपके साथ भी हूँ। किसी काल में मोमिन, आज हम एक ऐसी ईद मना रहे हैं जो मसीहियत का दिल है, यानी ईद पाशवा, ईस्टर। ये सबसे पुरानी ईद है जिसको इब्तदाई कलीसिया ने मनाना शुरू किया, और उनके मनाने का तरीका सिर्फ एक गवाही था कि वो जिंदा है। हम उसकी गवाही देते हैं, उसकी मनाती करते हैं, वो दर हकीकत मुर्दों में से जी उठा है। इसलिए ईद पाशवा को मसीहियत का दिल कहा जाता है, और आज हम जीसस यीशु का जश्न मना रहे हैं। इसलिए आप सबको मेरी तरफ से तमाम पास्टरी टीम की जानिब से ईद पाशवा बहुत बहुत मुबारक हो, जोरदार ताली के साथ। भाई भारत के शुरू में हम अपने गुनाहगार होकर इकरार करें, ताकि लायक और वाजिब तौर पर इन पाक रस्मों में शिरकत कर सके। मैं कादिर ने खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूं कि मैंने अपने प्यार को बाबा और काम नील मकसद से शुरुआत करना है। इसलिए मैं कैसा मरियम विषय हूं, बेशक हमारे सब रिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे बात करता हूं कि खुदा हमारे खुदा से मिल लिए दुआ करें। कादिर ने खुदा ने फरमाए हमारी गुनाहों को माफ करें और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करें। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। हम दुआ मांगे। ऐ कादिर मुतलक खुदा, आज तूने अपने प्यारे बेटे के वसीले से मौत पर ग़ालिब आकर हमारे लिए हमेशा की जिंदगी का दरवाजा खोल दिया है। आज हम खुदावंद के जी उठने की ईद मनाते हैं, अता करके हम रूह दस के जरिए नए बनकर आखिरकार जी उठे, अपनी जिंदगी के नूर में दाखिल हो, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। आमीन। धन्यवाद के तले पर हमने उसके मुर्दों में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया है। हमारे लिए आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल उसका 10वां बाब 34, 37 और 43वीं आयत। उस वक्त पत्रस ने मुंह खोल कर कहा कि अब तो मैं यकीन से जान गया कि खुदा किसी की तरफदारी नहीं करता। तुम इस बात से वाकिफ हो जो यूहन्ना के इस सवाल की मुरादी के बाद जलील में शुरू होकर तमाम यहूदिया में मशहूर हो गई कि किस तरह खुदा ने यीशु नासरी को रूह कुदस से और कुदरत के साथ मसा किया। वो नेकी करता और उन सबको जो शैतान के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। और हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदियों के इलाके और यरूशलेम में किए। उसी को उन्होंने काट पर लटका कर मार डाला, उसको खुदा ने तीसरे दिन जिंदा किया और जाहिर कर दिया सारी कौम पर नहीं मगर उन गवाहों पर जो पहले से खुदा के चुने हुए थे, यानी हम पर जिन्होंने उसके मुर्दों में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें हुक्म दिया कि लोगों में मुनादी करो और गवाही दो कि ये वही है जो खुदा की तरफ से जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने वाला मुकर्रर हुआ है। और सब अंबिया उस पर गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम के वसीले से अपने गुनाहों की माफी पाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आपके साथ भी हो। अजीज़ खुदावंद तेरी तबजील हो। उसके 20वें बाब की पहली 9 आयत हम सुनेंगे। उस वक्त हफ्ता के पहले दिन मरियम मजदली ऐसे तड़के के हनोज अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वो शमौन पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास दौड़ी आई जिसे यीशु प्यार करता था और उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। तब पतरस और वह दूसरा शागिर्द निकले
और कब्र की तरफ गए। चुनाचे वो दोनों इकट्ठे दौड़े, मगर दूसरा शागिर्द पतरस से भर गया और कब्र पार पहले पहुंचा। उसने झुककर कतानी कपड़े पड़े हुए देखे, मगर वो अंदर ना गया। तब शमौन पतरस भी उसके पीछे पीछे आया और कब्र के अंदर गया और कतानी कपड़े पड़े हुए देखे, और वो रुमाल जो उसके सर पर था उन कतानी कपड़ों के साथ नहीं, मगर जुदा लिपटा हुआ एक जगह पड़ा था। तब दूसरा शागिर्द भी जो कब्र पार पहले आया था अंदर गया और देखकर यकीन किया, क्योंकि वह हनुस निविष्टा को ना जानते थे कि मुर्दों में से उसका जी उठना जरूर है। हमारे खुदावी यीशु मसीह की अंजी मसीह तेरी साइज मसीह खुदा ने मोमिन, हम 40 दिनों से ईद पाशका मनाने के लिए अपने आप को तैयार करते रहे हैं। 40 रोजों का ये सारा सफर एक बातनी सफर था कि हमने रोजा, दुआ, खैरात, खुदा की पसंद का रोजा, इन तमाम मौजूदात पर ज्ञान ज्ञान करते रहे, रोजा रखकर दुआ करते रहे, खैराती कामों में हिस्सा लेते रहे, और आज वो दिन आ गया है जिसके लिए हम अपने आप को 40 दिनों से तैयार कर रहे थे। क्या कर रहे थे? आवाज नहीं है। और कैसे तैयार कर रहे थे? 3 चीजें जिस पर हमारा फोकस था, दुआ, रोजा और खैरात। इसके अलावा हम बाकायदगी के साथ पाक यूक्रिस्ट हासिल करते रहे, पाक पास की कुर्बानी में शामिल होते रहे, जहाँ तक मुमकिन हो सका हम जुमे के रोज आकर 14 मुकाम की इबादत में भी शामिल होते रहे, यीशु मसीह के दुखों पर ध्यान ज्ञान करते रहे, सलीब के बेद पर ध्यान ज्ञान करते रहे, और ये सारा एक बातनी सफर था, इन जर्नी विद द लॉर्ड, स्लीपी रास्ते में उसके साथ हम सफर करते रहे, और आज वो दिन आ गया है कि हम उसकी फतह में शामिल हों। आज हम उसकी फतह की कहानी को मना रहे हैं। क्या कर रहे हम? आवाज नहीं है। क्या मना रहे हम? थोड़ी सी आवाज आई है एक दूसरे की, सबकी आवाज आनी चाहिए। नाश्ता करके आए कि लंच भी कर रहे हो? तो फिर आवाज आनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, क्या मना रहे हैं? फतह की कहानी, और फतह किसकी है? यीशु मसीह की। और ये फतह क्या है कि वो मुर्दों में से जाह जलाल के साथ जी उठा है। लिहाजा यीशु की कहानी सच की कहानी है और सच की फतह की कहानी है। यीशु मसीह का जी उठना दर हकीकत उसकी फतह है, मौत पार, कब्र पार, और कब्र के असर को उसने नेस्तो नाबूद कर दिया हमारे लिए, मुर्दों में से जी उठकर उसने जिंदगी को जीत लिया है, उसने जिंदगी पर फतह पाई है। नूर जो है वो तारीकी पर गालिब आ गया है, नूर ने तारीकी को शिकस्त दे दी है, और यीशु मसीह जो दुनिया का नूर है उसकी नूर की किरणों से सारी दुनिया मुनव्वर हो गई है, रोशन हो गई है। मसीह खुदा में मीराज की पाक अंजील में हमने सुना है कि कुछ खवातीन खुशबूदार चीजें लेकर यीशु की कब्र पर जाती है। किसकी कब्र पर? यीशु की कब्र पर। और उनको एक बड़ा सरप्राइज मिलता है, बड़ी हैरान होती है, और हैरानगी की बात क्या थी उनके लिए? मेरी चौथी पाक मास है तो थोड़ी पहली है, जोश आपका नजर आना चाहिए, जोश नजर आना चाहिए। हाँ जी, सवाल क्या किया मैंने? कब्र खाली थी। और किसकी ये कब्र थी? यीशु मसीह की कब्र, जिन्होंने देखी और उनके लिए बड़ी हैरत की बात थी, और वो परेशान होकर हैरान होकर भागी जाती है शागिर्दों के पास। किसके पास भागी जाती है? शागिर्दों के पास। और शागिर्दों को जाकर क्या बताती है? कि कब्र खाली है। सिर्फ यही कि कुछ और भी था? जल्दी से बताए। यीशु को भी उठा के ले गया, हमारे खुदा को कोई उठा के ले गया। और फिर इसके बाद एक और बात है, वो क्या थी?
जल्दी से बताए, आज आधा लेक्चर आपने करना है आधा मैंने। एक और बात थी, वो क्या थी? कपड़ा। कपड़ा भी, हाँ जी, उसके ऊपर अभी आएंगे। जब उन्होंने जाकर बताया कि हमारे खुदावंत की लाश को कोई उठाकर ले गया, इसके बाद एक और बात, हम नहीं जानते कि उसको कहां रखा है, हम नहीं जानते कि उसको कहां रखा है। और ये बात उनके लिए बड़ी रंजीदा थी, बड़े अफसोसनाक थी, बड़ी परेशानी का, गम का बात थी ये बात, क्योंकि उनकी ये तवक्को थी, उम्मीद थी, उनके इल्म के मुताबिक ये था कि खुदा यीशु मसीह की लाश अब कब्र में होगी और वो पत्थर को हटाकर अंदर जाएंगी और जाकर खुशबूदार चीजें वहां रखेंगी, उस पर खुशबूदार चीजें मलेंगी यहूदी दस्तूर के मुताबिक। ये उनकी तवक्कोआत थी, ये उनका इल्म था, लेकिन खुदा ने उनको एक बड़ा सरप्राइज दिया। ये जो सरप्राइज है, हैरानगी है, अब ये यहूदियों की तरफ से नहीं थी, अब ये सरप्राइज, ये हैरत, ये हैरानगी रोमी सिपाहियों की तरफ से नहीं थी, तो फिर ये किसकी तरफ से थी? ये हैरत, ये हैरानगी, ये शौक, क्योंकि तो खुद के बरक्स है सारा कुछ, ये किसकी तरफ से था? खुदा की तरफ से। किसकी तरफ से था? खुदा की तरफ से। उसकी कुदरत है ये कि उसने उसको कब्र से जिंदा किया है, जिंदा किया, तीसरे रोज और जाओ जलाल के साथ जी उठा। मसीह खुदावंद, जब इन खवातीन ने, जो परेशान थी, हैरान थी, गम में थी, मायूसी में थी, जाकर दौड़ी जाकर यीशु के शागिर्दों को बताती है कि वो हमारे खुदा को उठा के ले गए, पता नहीं कहां ले गए, कहां रखा है, हम नहीं जानते। ये हैरत की बात है। और फिर शागिर्द और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो भी भागते हुए यीशु की कब्र की तरफ आते हैं और क्या देखते हैं? कौन कौन सा शागिर्द था जो कब्र की तरफ दौड़ते आते हैं? दो शागिर्द, उनके नाम क्या है? पतरस और मत्ती, यूहन्ना। अभी आवाज आई है, यूहन्ना, जिसे लिखा है, जिसके बारे में लिखा है कि जिसे यीशु प्यार करता था, होम जीसस लव्ड, ये अल्फाज है उसके लिए। और ये दोनों शागिर्द, अब इनकी उम्र का भी फर्क था, एक थोड़ा उम्र सीधा था, एक नौजवान था, यंग था, और इकट्ठे दौड़े हुए, लेकिन जिसे यीशु प्यार करता था उस शागिर्द की बात, यानी वो कहता यूहन्ना जो है वो आगे निकल गया, वो पहले पहुंचा और पहले पहुंचकर उसने वैसे ही पाया जैसे खवातीन ने उनको बताया था कि कब्र खाली है, उसके मुंह से पत्थर हटा हुआ है और अंदर क्या देखते हैं? कतानी कपड़ा है, रुमाल है, कफन है, ये चीजें वो देखते हैं। और फिर वो वही परेशानी की हालत में खड़ा हो जाता है और इंतजार करता है मुकद्दस पतरस का। और जब मुकद्दस पतरस आता है तो वो क्या करता है? उसने क्या किया? वो भी बाहर ही खड़ा, वो कब्र के अंदर गया, क्योंकि गार नुमा कब्र होती थी। हमारे कुछ नौजवान सारी रात ये मंजर बनाने की कोशिश करते रहे, उन्होंने बड़ी अच्छी तैयारी की, लेकिन रात को बड़ी तेज बारिश हुई और उसकी वजह से वो सारा कुछ गीला होकर नीचे गिरा। और अब सुबह आकर उन्होंने बड़ी जल्दी में आधे घंटे में कुछ कोशिश की है, एक मंजर बताने की, दिखाने की कि किस किस्म की गार थी जिसमें उसको रखा गया था, कि उसमें इंसान चल कर जा भी सकता था, इस किस्म की गार नुमा कब्र होती थी और ये कब्र एक बाग में थी, इसलिए बाग का मंजर थोड़ा सा नौजवानों ने बनाने की कोशिश की है। और हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि ये शागिर्द जब कब्र पर जाते हैं, मुकद्दस पतरस जो है वो अंदर जाता है, वो ज्यादा तफसील से देखना चाहता है कि हुआ क्या है, और वो जाकर बड़ी तफसील से उसको देखता है कि कतानी कपड़ा और बाग जो उसके जिससे सर उसका बांधा गया था, वो चीजें अलग एक जगह पर पड़ी हुई है। अब ये शागिर्द उनको देखकर, यानी कतानी कपड़े को, रुमाल को देखकर क्या करते हैं? यकीन कर लेते हैं। किस बात का यकीन कर लेते हैं? आवाज नहीं आई, मुझे लग रहा है अभी आपने नाश्ता भी नहीं किया, लंच भी नहीं किया, आपके जवाब से मुझे लग रहा है
जो नाश्ता करके आया हाथ ना करे। तकरीबन सारे नाश्ता करके तो फिर आवाज क्यों नहीं आ रही? माना कि आपके पास माइक नहीं, लेकिन जब मैं एक शख्स बोल रहा हूं और मुझे माइक की जरूरत है, लेकिन आप जब इकट्ठे जवाब देंगे तो आवाज गूंजेगी, यहां पर आवाज गूंजनी चाहिए आपकी। अब जमात एक बैठी हुई है, इसमें कोशिश करें गौर से जो सुनेगा वो जवाब देगा। मैं मुश्किल सवाल नहीं कर रहा, बड़े आसान सवाल है। ये दोनों शागिर्द जिन्होंने जाकर कतानी कपड़े को देखा, रुमाल को देखा, और दोनों ने यकीन किया। किस बात का यकीन किया? कि वह मुर्दों में से जी उठा है। वो कपड़ों को देखकर ईमान लाए, इसलिए आज की पाक अंजील में उन कपड़ों का 3 बार जिक्र किया गया है। कितनी बार? 3 बार कतानी कपड़े का जिक्र किया गया है, 3 बार। अब ये कपड़ा इसलिए अहम है क्योंकि हम मसीहियों के लिए यीशु के साथ जुड़ी हुई हर एक चीज हमारे ईमान से जुड़ी हुई है, उसका ताल्लुक हमारे ईमान के साथ है। जो वाकया जग्राफियाई तौर पर चाहे वो अराजील में है या रवायत से उनका ताल्लुक है, हिस्ट्री के जरिए हमारे तक पहुंचे हैं, हर चीज का, हर जगह का जिसका ताल्लुक यीशु के साथ है, उसके साथ हमारा ईमान जुड़ा हुआ है। और ये कतानी कपड़ा जैसे शागिर्दों के लिए अहम था, आज भी हमारे लिए भी उतना ही अहम है कि वो खाली कब्र को और इस कतानी कपड़े को देखकर ईमान लाए कि यीशु जी उठा है। उनके ईमान की तस्दीक हो गई, उनके ईमान की तस्दीक हो गई कि यीशु जी उठा है। अब उनको दलील मिल गई, एक गवाही मिल गई, एक सबूत मिल गया कि यीशु जी उठा है। इसलिए इन कपड़ों की बड़ी डिटेल जो है वो बयान की गई है। और ये रुमाल और कतानी कपड़ा जो है, इस पर बहुत सारी टेलीविजन सीरीज बनी है, बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज बनी है और बहुत सी फिल्में बनी हैं। 2013 में इंडिया ने एक फिल्म बनाई थी, कौन सी थी, जिसमें इसका होली श्राउड का, सांता सिजोने का जिक्र किया गया है। कौन सी फिल्म थी? आप देखते रहते हैं, आप तो इतनी फिल्में देखते हैं, मेरे पास तो टाइम नहीं होता। कौन सी फिल्म है जिसमें इस कपड़े का जिक्र किया गया है? रेस टू, शाबाश, ऐसे नौजवान चीजों में शौक है और जो याद भी रखते हैं। रेस टू में इसका जिक्र किया गया है और कुछ लोग जो है वो इसको चुराने की कोशिश करते हैं, चोरी करने की कोशिश करते हैं। इस कपड़े को जिस पर यीशु की तस्वीर थी, चेहरे मुबारक की तस्वीर थी, उसको चोरी करने की कोशिश करते हैं। और इसको बड़ा हॉरर भी दिखाया गया है और बड़ा सस्पेंस इसमें डाला गया है कि वो तस्वीर, कपड़ा जहाँ रखा गया है उसके ऐसे लॉक है, सेंसर है, अगर कोई नज़दीक जाए तो वो लॉक बंद हो जाते हैं और ऐसे लॉक है कोई खोल नहीं सकता। रेस टू में ये दिखाया गया है। रेस टू इंडिया की ऐसी फिल्म है जिस पर 94 करोड़ रुपए की लागत आई, 94 करोड़, बहुत बड़ी रकम है। और इसमें सैफ अली, जॉन इब्राहिम, दीपिका, अनिल कपूर, जैकलिन फर्नांडिस, इन्होंने एक्टिंग की है इस फिल्म में। और इस फिल्म में जो असल चीज है जिसके इर्द गिर्द ये फिल्म घूमती है वो ये कपड़ा है जिस पर यीशु मसीह के पाक चेहरे की तस्वीर थी। इसमें बड़ी तहकीक की गई है साइंसी तरीके से, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके, और इसकी डिटेल जो है नेगेटिव पॉजिटिव निकाले गए हैं, 3 डायमेंशन तस्वीरें बनाई गई हैं और दिखाया गया है यीशु के चेहरे को। मैं जब इटली में था तो मुझे मौका मिला टुरिन में इस गिरजाघर के विजिट करने का, और जाकर मैंने अपनी आंखों से इस कपड़े को देखा है। और हजारों की तादाद में लोग दुनिया भर से आते हैं, कतार में वो इंतजार करते हैं कि हमें कब मौका मिले ताकि हम अपनी आंखों से इस कपड़े को देख सकें जिस पर यीशु का मुबारक चेहरा है। उसको देखने के लिए लोग घंटों कतारों में खड़े इंतजार करते हैं। और जब मैं वहां पर दुआ करके इस कपड़े को देखकर बाहर निकला
तो मैंने उसकी तस्वीरें जो है एक शॉप से पाकिस्तान लेकर आने के लिए खरीदी, और मेरी पहली अपॉइंटमेंट उस वक्त कराची में थी, वहां पर वापस आया और मैंने बहुत से खानदानों को वो तस्वीर दी। एक तस्वीर थी जो मैं कैंट में जहाँ मेरी अपॉइंटमेंट हुई एज ए पैरिश प्रीस्ट, एक तस्वीर को मैंने फ्रेम करवा के अपने लिए रखा था और मेरी ख्वाहिश ये थी कि यह तस्वीर हमेशा मेरे पास रहे। एक दिन दफ्तर में एक फैमिली आई, उन्होंने कहा फादर जी ये तस्वीर बहुत अच्छी है, इसके बारे में हमें बताएं। तो मैंने उनको बताया, सारी तफसील इसकी बताई कि कैसे इस पर यीशु मसीह की जो तस्वीर है वो है और उनसे नेगेटिव पॉजिटिव कैसे बनाए गए और कैसे यीशु की तस्वीर जो है उसको दरियाफ्त किया गया है इस कपड़े में से जिसमें खुदा यीशु मसीह को दफनाया गया। अब उस फैमिली को जब पता चला तो उन्होंने कहा फादर जी ये तस्वीर अगर हमें दे दें तो हम ऐसे करेंगे कि इसकी कलर फोटो कॉपी करा के तो ये ओरिजिनल आपको वापस कर देंगे। मैंने उन पर भरोसा किया, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप तस्वीर ले जाए और आप अगले बार जब आए पाक मास के लिए तो ये तस्वीर साथ लेकर आए। कहते ठीक है फादर जी, हम प्रॉमिस करते हैं कि हम ये तस्वीर आपको अगले बार वापस करेंगे। फिर क्या हुआ, रेस्ट रूम में जो हुआ तस्वीर वापस नहीं आई उसके बाद। अब मेरी ख्वाहिश है जब दोबारा इटली जाऊंगा तो दोबारा लेकर आऊंगा। ये डिटेल जो है जैसे शागिर्दों के लिए अहम थी ऐसे ही आज हमारे लिए भी अहम है कि जैसे शागिर्द इस खाली कफन को, रुमाल को, कतानी कपड़े को देखकर ईमान लाए कि वो जी उठा है, ऐसे ही ये हमारे लिए भी उतना ही अहम है। खाली कफन, कतानी कपड़ा, फरिश्ते की गवाही, ये वो सबूत है, दलील है, गवाही है कि हम जी उठे यीशु पर ईमान रखते हैं कि वो जिस्म समेत उठाया गया, सिर्फ रूह नहीं बल्कि जिस्म समेत उठाया गया, जो बाद में शागिर्दों पर जाहिर होता है, उनके साथ खाना खाता है, उनके साथ पीता भी है और यूं वो जाहिर होकर उन्हें मिशन सौंपता है कि जाओ कौमों को मेरा शागिर्द बनाओ, ये सब बातों की तालीम दो जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। आइए आखिर पे हम गौर करें कि इस दुनिया में अब हमारा मिशन क्या है, उसके शागिर्द होते हुए, उसके गवाह होते हुए हमारा मिशन क्या है। इस पे एक जुमला इधर से, एक 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 दो तीन चार पांच, पांच जवाब चाहिए एक एक लाइन से, जैसे ब्लॉक्स में बैठे हुए हैं, एक एक जवाब हर लाइन से मुझे चाहिए। हमारा मिशन क्या है यीशु के शागिर्द होते हुए, जब यीशु पर ईमान रखते हैं हमारा मिशन क्या है, कोई भी बता दे जल्दी से। अंजीम की बशारत देना, बहुत अच्छा, और कोई, इस दुनिया में अमन कायम करना, और क्या मिशन है हमारा दुनिया में, क्या करना, एक दूसरे को माफ करना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। हाँ जी, जान देने तक यीशु के वफादार रहना, ये हमारा मिशन है वफादारी। एक शागिर्द से तकाजा करता है यीशु कि जैसे वो वफादार है जान देने तक, हम भी ऐसे ही जान देने तक यीशु के, उसकी पाक अंजील के, उसकी पाक सलीब के, हम ऐसे ही वफादार रहे, ये हमारा मिशन है। हम कायम करना, मोहब्बत करना, सुलह सलामती बांटना, जिंदगी बांटना, एक दूसरे के लिए हौसला, हौसले का बायस बनना, यानी हम एक दूसरे को गिराने वाले ना बने बल्कि साथ लेकर चलने वाले बने, टांगे खींचने वाले ना बने बल्कि एक दूसरे को साथ लेकर आगे बढ़ने वाले बने। मैंने तकरीबन आधी दुनिया घूमी है और पाकिस्तानी कम्युनिटी जहाँ जहाँ मेरी मुलाकात हुई है वो बताते हैं कि जी हम कभी कभी इकट्ठे होते हैं साल में एक दफ़ा या दो दफ़ा, लेकिन एक बड़ी अफसोस की बात है, कभी वो नदामत के साथ बताते हैं, कभी फख्र के साथ, कभी मजाक में बताते हैं कि पाकिस्तानी जहाँ जहाँ है ना, चाहे अमेरिका में है, चाहे इटली में है, चाहे यूएई में है, चाहे फ्रांस में है, ये सुनने में आता है कि पाकिस्तानी जो है ना एक दूसरे की टांगे खींचते हैं और बड़ा अफसोस होता है ये सुन के कि एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। आइए आज जब जी उठे यीशु का हम जश्न मना रहे हैं, आज हम ये अहद करें कि हम दूसरे की खुशी को अपनी खुशी समझेंगे, दूसरे की कामयाबी को अपनी कामयाबी समझेंगे और हसद नहीं करेंगे बल्कि खुश होंगे दूसरों की कामयाबी से।
और दूसरे की नाकामी दुख बीमारी में एक दूसरे के लिए हौसले का बायस बनेंगे, दूसरे की नाकामी पे खुश ना हो, नाकामी का जश्न ना मनाए, कामयाबियों का जश्न मनाए। अगर बीमार है तो अगर उसका पता करने नहीं जा सकते, लेकिन उसके लिए अपने घर में दिल में दुआ जरूर करें उसकी शफा के लिए। आइए हम मसीही होते हुए, यीशु के शागिर्द होते हुए और उसकी गवाही देने वाले होते हुए जिंदगी बांटे, उम्मीद बांटे, सुलह कराने वाले बने। खुदा हमें ये फजल दे ताकि हम एक दूसरे के लिए अम और उम्मीद का वसीला बने। आमीन। सब खड़े होकर अपने ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा, मैं ईमान रखता हूँ खुदा का जो आसमान और जमीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा हमारा खुदावंद है और कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारे लिए से पैदा हुआ, उसने पैंतीस पड़ा तो उसके आदमी दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरजत में उतरा, तीसरे रोज कुदरत से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का लिबास गले में आकर रहता है, वहां से जिंदा और मुर्दों की दावत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ जरूर दस पाके तुम्हें कीजिए मुकसों की शिलाकत रहा हुआ जिसम के जीवन और हमेशा की जिंदगी पा। आमीन। आइए हम अपने मुनाजात खुदा खुदा के जरिए पेश करें। हम दुआ करें अपने रूहानी बाप पोप फ्रांसिस के लिए, तमाम बिशप साहबान के लिए, फादर साहबान के लिए, सिस्टर साहबान के लिए और मुबशरान इंजील के लिए, जिन्होंने मसीही ईमान को बोया ताकि कलीसिया दोस्त दोस्त तरक्की करे। अजीजो दुआ करें कि खुदावंद मसीहा जो जी उठा है, हालेलुया, तमाम मोमिनों को अपने जी उठने से मुश्किलों परेशानियों तकलीफों से दूर रखे ताकि मोमिन मुखलसी और निजात का तजर्बा कर सकें। अजीजों इस मकसद के लिए दुआ करें। खास दुआ करते हैं तमाम बीमारों के लिए जो घरों में या अस्पतालों में या कहीं के बीमार है, खुदा अपना कभी कदर हाथ बढ़ाकर तमाम बीमारों को सेहत तंदुरुस्ती अता करें ताकि तमाम बीमार तंदुरुस्त होकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदावंद के दूस पाकशाह की इन खुशियों में बरकत और फजाइल से नवाजे ताकि पूरी फिजा फतेह क़यामत मसीह से गूंज उठे। अजीजो इस मकसद के लिए दुआ करें। के खुदावंद मसीह तमाम बेऔलादों को औलाद जैसी नेमत से नवाजे। अजीजो इस वक्त के लिए दुआ करें। हे खुदा हमारी दुआ, हे कादिम तू खुदा हमारी तमाम कहिए उनकी दुआ सुन कबूल फरमा, मसीह खुदा उनके वसीले आमीन। सब के लिए कुर्बानी खुदा कादिम के बाप के हाथों में मकबूल, खुदा इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फायदा के लिए मंजूर फरमाए। हम दुआ करीम खुदा, हम पाश्ता की मनाते हुए तेरे हुजूर वो रोजाना पेश करते हैं जिससे नहायत आला तरीके से तेरी कलीसिया नए सिरे से पैदा होती है और परवरिश पाकार बढ़ती है। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले आमीन। खुदावंद आपके साथ है, आपके साथ भी है। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाते हैं, हम ध्यान लगाते हैं, खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाजिब और दुरुस्त है, ये वाकई वाजिब और नासिब है मुस्बाक के हम हर वक्त पढ़ाते हैं, लेकिन खासकर आज के दिन तेरी स्ताइश करें जब मसीह हमारा फसा कुर्बान हुआ। ये वो हकीकी बर्रा है जिसने दुनिया के गुनाहों को उठा लिया, उसने अपनी मौत से हमारी मौत को तबाह कर दिया और अपने जी उठने से हमारे लिए जिंदगी बहाल कर दी। इसलिए हम पाशा की खुशियों से मामूर होकर दुनिया भर में हर जगह ईद मनाते हैं और फरिश्तों का लश्कर मुकद्दसों की जमात में ये कहते हुए लगातार तेरी हम्द और सना करते हैं। आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मबूद है, आलमी भला पर खुशामद, मुबारक वजह खुदा के नाम से आता है, आलमी भला पर खुशामद। मेहरबान बाप तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझी से आती है, हमारी दुआएं कबूल कर। हम अपने जाने वाले से हिदायत पाकर परिवार और भरोसे के साथ वही दुआ मांगी जो खुदावंद ने हमें सिखाई है, वो दुआ जो हमें एक दूसरे को माफ करना सिखाती है, वो दुआ जो हमें एक खानदान एक कलीसिया बनाती है। अपने हाथों को बुलंद करके दुआ करेंगे, ये सब अपने हाथों को बुलंद करेंगे।
اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک منا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیرے مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو, ہمارے روزمرہ کی آج اور جس طرح ہم اپنے گھروں سے بچوں کشتی ہیں تو بھی ہمارے کر دے اور ہمیں معاش میں بندن جائے کیا آمین. اے خدا ہم تجھ سے منت کرتے ہیں ہمیں ان سب بدیوں سے بچائے جنہوں میں اسلام کی بخش, تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں, کیونکہ بادشاہت قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں. اے خدا ہوں یسوع مسیح, تجھے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑ جاتا ہوں, میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں, ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے. آمین. اور خدا کی سلامتی ہر وقت آپ کے ساتھ, آپ کے ساتھ بھی ہوں. بھائی میں ایک دوسرے کی سلامتی چاہوں اور ایک دوسرے کو عید پاک کا مبارک بھی کہہ سکتے ہیں, جو ہاتھ ملانا چاہتے ہیں ایک دوسرے سے ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں, ابھی کرونا ختم ہو گیا. ابھی شوال میرے ہیپی ایسٹر, عید پاک کا بہت بہت جیٹھے یسوع کے بیٹے کو بلا کر اس کے جیٹھے پر دھیان دھیان کریں جس نے ہماری خاطر جان دے کر مسلوب ہو کر فتح پائی ہے, ہمارے لیے زندگی کو جیت لیا ہے اور ہمیں ایک نئی امید دی ہے کہ اس کا جی اٹھنا ہماری زندگی کو اور بھی زیادہ بہتر بنائے. اس کے جی اٹھنے سے ہم جینے کا گہرا مقصد دریافت کر سکیں. اس دھرتی پہ مسیحی ہوتے ہوئے ہمارا مشن کیا ہے, اس کے مطابق زندگی بسر کرنے پائے, روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی فکروں میں اپنے آپ کو کھو نہ دیں بلکہ اس کے جی اٹھنے میں اپنے آپ کو دریافت کریں, نئے سرے سے اپنی مسیحی بلاہٹ کو پہچان سکیں. اس دھرتی پہ ہمارے جینے کا مقصد دوسروں کی بہتری اور بھلائی کے لیے کام کرنا ہے, ہمارے جینے کا مقصد دوسروں کی خدمت ہے. اے اپنی زندگی کے گہرے معنی اس کے جی اٹھنے میں ڈھونڈیں, وہ جو ہمیں امید دیتا ہے, ہمارے تمام خدشات دور کرتا ہے, شک و شبہات کو ایمان میں بدل دیتا ہے, ہر طرح کی بزدلی کو جرت میں بدل دیتا ہے, دلیری میں بدل دیتا ہے. آئیے ہم اس کے جی اٹھنے سے جرت اور دلیری حاصل کریں. اس کا جی اٹھنا ہماری راہوں کے لیے, ہماری زندگی کے سفر کے لیے, اس کا جی اٹھنا ہماری امید ہے. اس کا جی اٹھنا ہمیں ایک نیا حوصلہ دے تاکہ ہم زندگی میں جرات کے ساتھ, دلیری کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں, اور جو تاریخی کام کرنا چاہتے ہیں اس کے فضل سے کریں. اس کے امن و سلامتی کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹنے والے بنے. جیتا یسوع جو شاگردوں پر ظاہر ہو کر ان کو کہتا ہے تم پر سلامتی ہے, ہم اس کی سلامتی کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹنے والے بنے, صلح کرانے والے بنے, محبت بانٹنے والے بنے, روزمرہ زندگی میں ایک دوسرے کی خدمت کرتے رہے جیسے اس نے پاؤں دھو کر ہمیں خدمت کا نمونہ دیا ہے. روزمرہ زندگی میں ہم ایک دوسرے کی خدمت کر کے گہری خوشی اور اطمینان حاصل کرنے پائیں. آج مسیح ہمارا پاشگاہ قربان ہوا, ہم صاف دلی سے اور سچائی کی بے خبری روٹی سے عید کریں. ہللویا. ہم دعا مانگیں. نہایت مہربان خدا اپنی کلیسیا کی ہمیشہ حفاظت کر تاکہ یہ مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کے پاشگاہ بیدوں سے نئی ہو کر خود بھی جی اٹھنے کی نورانی تکمیل کو پہنچے. مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلے سے آمین. آپ سب کو ایک بار پھر میری طرف سے بابو براج, بابو فرانسس, بابو مبارک ان کی طرف سے, ساری پاسپانی ٹیم کی طرف سے عید پاشکا کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہیں.
जोरदार ताली, जोरदार। आखिर पेश किया था तो मैं चाहूँगा क्वाइट का, जिन्होंने सुबह से लेकर इस आखिरी इबादत तक हमारा साथ दिया है, खूबसूरत गीतों के साथ इबादत को रूह परवर बनाया है, जोरदार तालियों के साथ उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम इंतजामिया का, पैरिश काउंसिल, मदर ग्रुप, सेंट मेरीज यूथ ग्रुप, उनका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने तमाम इंतजाम जो हैं दिन रात एक करके तमाम इंतजाम किए बड़ी मेहनत और मोहब्बत के साथ, ताकि हम अच्छे तरीके से ईद पाश का मना सकें। क्योंकि बारिश ने कोशिश की, लेकिन इससे बारिश से हमारे हालिया के नारे रुके नहीं हैं। कोई भी बारिश और तूफान जो है हमारे पाश के इनारों की गूंज को रोक नहीं सका, बल्कि रात की इबादत में भी यहाँ पर पाँव रखने को जगह नहीं थी, क्योंकि हमें इबादत अंदर की चर्च में, लेकिन सारे बरामदों में हमारे मोमिन खानदान बैठे हुए थे, सारे क्लासरूम इस तरफ वाले सारे बरामदे फुल थे, पाँव रखने की जगह नहीं थी। जिससे ये साबित हुआ, हमारे खानदानों ने, मोमिन ने साबित किया कि कोई भी बारिश और तूफानी हवाएं हमारे जज्बों को मान नहीं कर सकती, शिकस्त नहीं दे सकती, हमें हालेलुया का नारा बुलंद करने से रोक नहीं सकती। हम पांच के मोमिन हैं और हमारा नारा है एक बार कोशिश करें, सारे मिक्स बैठे हैं तो जरा जोश के साथ, हम पांच के मोमिन हैं, हमारा नारा है हम आखिरी बरकत के लिए होंगे अपने सर को झुकाएंगे। सब खड़े हो गए। अगर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तमाम खानदानों का जिन्होंने फराखदिली के साथ इबादत के अखराजात के लिए अपना नेक माई का हदिया पेश किया, जोरदार तालियों के साथ उनका शुक्रिया अदा करते हैं तमाम खानदानों का। खुदा ने मेहरबान होकर आपको अपने प्यारे बेटे के जीवते के जरिए निजात और ले पालक बेटे और बेटियां बनने का फजल बख्शा है, वो आपको अपनी बरकत दे के इंतहाई खुशी अनायत फरमाए। आमीन। वो आपको ये तौफीक अता फरमाए कि निजात दहिंदा के करम से हमेशा की निजात की नेमत पाकर आप अपनी मिराज में शरीक होने के भी लायक ठहरे। आमीन। आपने ईमान लाकर बपतिस्मा के जरिए नई जिंदगी हासिल की, आपको आप ये तौफीक हासिल हो कि नेक जिंदगी बसर करके आसमानी वतन में दाखिल होने के काबिल रहें। आमीन। और काजल प्रिय खुदा बाप और बेटे और उपदेश की बरकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ, आपके साथ भी हो। इबादत हो चुकी, इस्लाम की सजाए, हालेलुया हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो, हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।